Now I grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, that's dope every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill them. हाँ तो भाई लोग, आपका भाई आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, मे बी ये हमारी लास्ट या फिर इसके बाद एक और वीडियो होगी, उसके बाद से पीसी पे आ जाएगी। क्योंकि भाई मैंने लाइक दो गेम या तीन गेम डाउनलोड कर ली हैं, तो हम उस पर ईजिली मतलब उनको खेलते भी रहेंगे और हम ना बैकग्राउंड में और भी गेम लगा देंगे जब तक कि अपने उन पर भी चलती रहेगी सीरीज़, तो वो भी हो जाएगा। बाकी आर्क सर्वाइवल अपना हो चुका है और FM के का मोड किसी भाई ने कहा था, भाई मुझे नहीं पता वो कैसे हमें करना पड़ेगा डाउनलोड और उसकी क्या प्राइस, मुझे ये भी नहीं पता। और प्राइस का है तो हम नहीं ले सकते, बीके नहीं है। बाकी फ्री में कहीं से मिलता हो तो उस वेबसाइट का नाम कमेंट में बता देना, मैं ट्राई कर लूँगा अगर मिल गया तो। बाकी भाई ये वाला जो गेम है ना, ये एक चाइनीज़ ना मूवी थी, अगर आपको याद हो, कोरियन ना ऑल ऑफ करके डेट करके कुछ नाम था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो वो तो आप देख लोगे टाइटल में समझ जाओगे। तो ये उसके मतलब उसके ऊपर ही गेम बनाया गया, तो अभी देखते हैं कैसा ये गेम कैसा नहीं। और भाई मेरी तो फेवरेट सीरीज़ थी, बाकी आपकी कैसी था मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। क्योंकि भाई मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ था जब वो मेन लड़का है ना जो एंड में मर जाता है ना, जो नीचे लिफ्ट में करके कूदता है, वो काड़ा हरामी लेके जाता है उसको, तो मतलब वो मुझे पसंद था। और वो बेचारा एंड में मर जाता है, उसको इतनी मोहब्बत करता होता उससे, मतलब देखी होगी तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसने नहीं देखी तो उसको कोई आइडिया नहीं होगा। हाँ यही सीन था। अभी हम यह मूवी की बात नहीं कर रहे, हमारा गेम है तो हम अपनी गेम की बात करते हैं। तो भाई आज हम खेलने वाले ये वाले गेम, और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लाइक ये जॉम्बी के ऊपर गेम है, और आपको पता है जॉम्बी गेम तो सारे भाई ओपी लगते हैं खेलने में, तो ये भी ओपी होने वाला। अब हम करते हैं अपना सीधा गेम स्टार्ट। तो भाई हम आ चुके हैं प्ले गेम से, और ये अपनी है भाई सर्वाइव की डे वन, मतलब अभी ज़ीरो है, डे वन हो जाएगा। तो अब हमने देखना हम कितने कर सकते हैं, और ये घाउल करके कुछ स्पॉन हुआ है, तो इस नूबड़ी के को हम पेलते हैं यहाँ पे। मतलब अपने पे शॉट गन है तो ईजीली ना ये लोग किल भी हो रहे हैं। और लाइक मैं जब ये खेल रहा था ना गेम भाई, मुझे भाई मतलब पता ही नहीं चल रहा था भाई कितनी देर हो गई, बस मैं खेला जा रहा था। यकीन मानो ये वीडियो जो है ना, मैंने आई थिंक सो एक घंटे के करीब की रिकॉर्ड है, लेकिन भाई मैंने सिर्फ शुरू के ना कुछ चीज़ें दिखाई हैं, बाकी भाई मैंने कट मार दिया था। क्योंकि भाई मैंने कहा इतनी लंबी वीडियो कौन ही देखेगा, वैसे ही रोबलॉक देखते नहीं है पब्लिक, पता चल रहा है भाई फिर तो देखें ना एक घंटे की वीडियो समझ के। तो मैंने भाई जितनी निकाल सका, मतलब मैंने कुछ भी कट नहीं किया, बस चार या तीन नाइटें अपने सर्वाइव की वो मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। मतलब बहुत कुछ आया, अलग अलग वेपन्स वगैरह हमने ली, और मतलब अलग अलग ना पावरफुल जॉम्बीज मारे, अलग अलग हम स्कूल वगैरह पे एरिया में गए अपने ना, मतलब ऑफिस सीन था, और एक भी बार हम नहीं मरे। अभी तो ये था अपना इजी वाला मूड, क्योंकि अभी अपना लेवल ना लो है। बाकी मैं लेवल 15 आई थिंक करना है, मैं तो मैं लेवल 15 कर लूँगा ना, फिर हम इसका हार्ड मोड खेल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है, क्योंकि भाई हार्ड तो आपको पता है हार्ड ही होता है। तो हाँ वो भी हम ट्राई करने वाले हैं, फिर देखेंगे हार्ड में क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि भाई असली चीज़ तो उसमें पता चलेगी। तो देखो ईजी था तो इतना मुश्किल नहीं पड़ रहा था ना, क्योंकि भाई अभी तक तो हमारा मतलब एक भी लाइफ ज़ाया नहीं हुई है, और अगर हमारी हेल्थ जा भी रही है तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो रही है, और अपने किल भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और यहाँ पे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला सीन भी है कि आपने कितने किल्स किए, तो ऐसे करके ना हर राउंड पे तीन विनर आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब देखना हम कितने में ना फर्स्ट आते हैं, कितनी बार सेकंड आते हैं, तो वो भी ओपी वाला सीन होने वाला है। और इसमें जब हम आए थे भाई टाइम तो अपना दो ढाई मिनट के अराउंड था, और अभी टाइम रहता है एक मिनट के करीब। और अगर किल्स देखे तो अपने भाई 120 किल हैं, जो कि ओपी। और ये जो एमओ मिला है ना, ये देखो ये अभी यूज़फुल नहीं है एमओ, जब हमें टॉप मिलेगी ना आरपीजी तो ये वहाँ पे हमारे काम में आएगा बहुत ज़्यादा, तो अभी के लिए तो यही सीन है। और भाई मैंने इस गेम की भी साउंड बहुत ज़्यादा स्लो की हुई है, मतलब मैंने अपने ना काइन मास्टर पे 20 पे किया हुआ है, उसके बावजूद भी आवाज़ आ रही है, मतलब ठीक है, ज़्यादा भी बंद नहीं कर सकता, फिर अजीब सा लगेगा बिना साउंड का गेम। तो हाँ, और यहाँ पे भाई हम गन छोड़ के भी बाहर 15 लाइक देख लो भाई, क्या ही स्पीड से आ रहे भाई, एक टाइम पे तो बंदा डर जाए, मतलब रात में खेल लो ना, इनके जो साउंड वगैरह होते हैं ज़ॉम्बीज के भाई, इससे बंदे को डर सा लग जाता है। तो हाँ, और मेरे को भाई बंदे बोल भी रहे थे कि PC में भाई हॉरर गेम भी खेलना, तो यार मुझे बताना आप लोग कौन कौन से हॉरर गेम खेलें, और हॉरर गेम लाइव खेलें या फिर हम अपना वैसे खेलें, क्या कहते हैं रिकॉर्ड में, तो वो भी मुझे बताना। और मैं ट्राई करूँगा कि ना ये जो अपना संडे आएगा ना, संडे पे हम लाइव स्ट्रीम ट्राई करें, कंफर्म नहीं बोल रहा लेकिन ट्राई कर सकते हैं हम, अगर तो सही रहा सब कुछ
तो हम लाइव ट्राई करेंगे अपना आर्क सर्वाइवल भी लाइव खेलेंगे और साथ में हाई पिक्सल फेक पिक्सल जो भी हुआ मतलब पॉसिबल वो सारे हम खेलेंगे। और भाई यहाँ पे अपना डे वन हो गया था डन और ये देख रहे हो विनर में हम आए थे सेकंड नंबर पे। इस टाइम पे हम सेकंड आए थे, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट आने की ट्राई करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस बार भाई हमें ये क्रॉस बो वगैरह करके कुछ मिला है तो मैंने क्रॉस बो ले लिया अभी के लिए, तो इसको यूज़ करके देखेंगे कैसा होने वाला है क्रॉस बो। और क्रॉस बो का कोई मिशन भी था तो हाँ मतलब अपना साथ में साथ मिशन भी हो जाएगा और क्रॉस बो भी अपना मिल जाएगा। और ये अपना डे टू है, डे वन हमने सर्वाइव कर लिया, अब देखते हैं डे टू हम सर्वाइव कर पाते या नहीं। और भाई मतलब जितने ज़्यादा डे होते जाते हैं ना उतना ज़्यादा ये हार्ड होता जाता है। तो देखो भाई बंदे तो कब से खेल रहे थे, मतलब 61 डे चल रहा है अभी हम आए, तो हमारे लिए ये भाई अपना सेकंड है मतलब टू जो है अपना, हमने फर्स्ट तो सर्वाइव कर लिया। और भाई ये अपनी आरपीजी अनलॉक हो चुकी है, हाँ तो पब्लिक में कह रहा था अपना आरपीजी अनलॉक हो चुका है, मे बी नेक्स्ट वाले में हमें आरपीजी देखने को मिल जाए शायद से, कंफर्म नहीं पता। और भाई ये देख रहो भाई ज़ॉम्बी क्या ही भाग रहा हूँ, बाकी पूरा वही सीन है अगर आपने मूवी देखी होगी ना, वो सारे स्कूल में जो बच्चे मतलब लड़के वगैरह होते हैं लड़कियाँ सारे ऐसे कपड़े पहने हुए थे और भाई सब में वायरस फैलता जाता है वो एक बुड्ढे की वजह से, मतलब बुड्ढे की भी गलती नहीं होती, गलती उस लड़की की होती है जो फालतू का चूहे में उंगलियाँ कर रही होती है, भाई चूहे काट लेता है और बस वहीं पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है सबकी। तो हाँ मतलब मैं मूवी की बात क्यों कर रहा हूँ, गेम खेलने यार गेम पे फोकस करो, मूवी की थोड़ी ना बातें कर रहे, वो कभी करेंगे अलग, कभी ना कभी बनाएंगे तो ऐसी स्टोरी वीडियो श्योरी है तो उसमें करेंगे ये वाली बातें, अभी अपना गेम पर फोकस करते हैं। तो भाई हाँ मैं कह रहा था बाकी देख रहा हूँ भाई ये बॉस करके भी स्पॉन होते हैं घाउल और नॉर्मल बॉसेस वगैरह जो कि थोड़े हार्ड होते हैं उनको मारना, और भाई ये जिसके पीछे चिपक जाते हो भाई उसके पीछे चुप कर रहते हो, और भाई ये वाले बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं नुबड़ी के कवच लेकर आते हैं और इनको किल करना इतना ईजी भी नहीं होता क्योंकि भाई इनके पास बहुत ही है ना शील्ड, तो शील्ड को तोड़ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और भाई मैंने अभी लाइक अपना पीसी में ना पूरा सेटअप डन कर लिया, रिकॉर्डर वगैरह भी मैंने ले लिया अपना ओबीएस का, आप लोगों के कमेंट आए थे कि भाई वो बेस्ट रिकॉर्डर है तो मैंने उसका सब सेटअप वेटअप डन कर लिया है अभी के लिए, वो भी सेट है अपना। और एडिटर अभी मैंने भाई अपना देखा नहीं, लाइक मुझे एक दो एडिटर बताएं अब देखो कौन सा समझ आता है कौन सा नहीं। वैसे तो मैंने ये सोचा हुआ था कि वीडियोस में रिकॉर्ड करूँगा अपना फिर मोबाइल में लेके एडिट कर लूँगा, लेकिन यार ऐसा सिस्टम भी नहीं, मैं चाह रहा हूँ पीसी में ना अच्छे से एडिट करें एक एक चीज़ और फिर मोबाइल में लेकर अपलोड कर देंगे या फिर पीसी में अपना मैं यूट्यूब खोल लूँगा तो पीसी से सीधा अपलोड कर देंगे, जो भी होगा वो जबकि जब देखेंगे, अभी तो उसका नहीं सोच रहे, अभी अपना गेम पे फोकस करते हैं क्योंकि भाई गेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और ये ना मैं रात के टाइम आई थिंक गेम खेल रहा था, पर दिल चाह रहा था खेलते रहो तो हाँ मतलब मैं खेलते ही जा रहा था, तो ओपी वाला सीन था ये भी ना। और भाई ये ज़ॉम्बी तो भाई आए जा रहे थे मतलब मैंने बताया ना ये एक तरह से वेव टाइप होता है कि फर्स्ट वेव सेकेंड थर्ड ऐसे करके, लेकिन ये डे के शेप में दिया भाई, और मतलब इन्होंने नाम तो वैसा दिया हुआ है मतलब स्टोरी लाइन में वैसा नहीं है भाई, इसमें ऐसा ज़ॉम्बी आ रहे हैं हमें उन्हें मारते ही रहना है, अगर ये पूरा स्टोरी लाइन वैसे ही देते हैं ना लाइक एक करेक्टर होता वो उसको ज़ॉम्बी काटता ये वो पूरा उस पर बनाते तो और ज़्यादा ओपी वाला सीन हो जाता, मतलब मज़ा आता बहुत ज़्यादा इसको खेलने में, फिर ना ये होता समझो रोल प्ले गेम हो जाता लाइक सबको अपने अपने करेक्टर सेलेक्ट करने पड़ते कौन क्या बनेगा कौन क्या नहीं और कौन है वो जिसको ज़ॉम्बी काट के ये वो, मतलब मेरे लिहाज से तो वो वाला ओपी सीन रहता अगर ये वैसा कर लेते, बाकी आप लोग बताना आप क्या कहते हो, क्योंकि वाला होता ना उसमें और ज़्यादा ओपी सीन लगता और खेलने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता उसको। हाँ तो भाई सॉरी वॉइस ओवर रुकी बाकी हाँ, और ये भाई अपनी सेकंड नाइट थी ये भी डन होने वाली थी ऑलमोस्ट, और भाई यहाँ पे घाउल भी स्पॉन हो रहे थे भाई उन्हें पहले तो, और ये पत्नी कौन तो उल्टी करने वाले, अगर इसमें अटक जाओ तो भाई आपकी स्पीड ना स्लो हो जाती है फिर आपको ज़ॉम्बी इजीली ना पकड़ के मार सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया ना आपको इजी मूड है ये तो इसमें इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, आप इजीली भाई ज़ॉम्बी नुबड़ी के देख रहे हो, मतलब यूँ मजाक में मर रहे हैं लोग, पिस्टल से मारो शॉटगन से मारो क्रॉसबो से मारो मुक्कों से मारो लातों से मारो इजीली मर जाएंगे, लेकिन मैंने 30% कर लिया था इसमें ना ज़्यादा अच्छा लग रहा था खेलने में, लाइक हम वीडियो गेम्स खेलते थे आपको अगर याद हो बचपन में गेम शॉप पे जा सके मतलब अपने गेम सेंटर आपके आसपास भी होंगे तो वहाँ पे होता था एक गेम ना पहले ऐसा ही फौजी टाइप का गेम होता था वो मुझे नाम उसका याद नहीं है, लाइक उसमें भी ऐसे बंदे के मतलब ना हाथ वगैरह दिखते थे एनिमी वगैरह को किल करना होता था, लाइक मैंने बहुत ज़्यादा खेले तो मुझे वही वाले गेम यहाँ पे ना याद आ रहे थे,
अपना 20-20 रुपए में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लाइक ऐसे करके गेम खेले जाते थे। लेकिन उसमें अलग मज़ा आता था, जो बात है। और मैंने वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग टाइप के गेम खेले, मतलब उन उस टाइम पे मेरे को थोड़ी सी नॉलेज वगैरह थी, लेकिन अभी भाई कुछ भी नहीं मेरे को याद क्या सीन है क्या नहीं। उस टाइम पे कंप्यूटर पे मतलब हम खेलते थे ना मजा के पैसे तक के, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी यूज़ करना आता था। और अभी तो भाई मैं सब कुछ भूल चुका हूँ क्या सीन है क्या नहीं। लेकिन हाँ, मैंने 2-3 दिन अभी मतलब चलाया कंप्यूटर, तो अच्छा खासा आ गया है मेरे को, समझ चुका हूँ मैं सारी सेटिंग वेटिंग क्या सीन है क्या नहीं। और यहाँ पे भाई 2 गन आ गई थी, मैंने 1 गन अपनी सिलेक्ट कर ली थी। तो भाई अपना RPG अभी तक नहीं आया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कोई नहीं। SMG आ गए, SMG भी बेस्ट है, क्योंकि भाई इसमें ना लाइक आपको ज़्यादा गोलियाँ भी मिलेंगी और इजीली आप किल भी कर सकते हो। और यहाँ पे अपने पे ना ब्लू फ्लेम करके कुछ था, उससे मैंने गनों को अपग्रेड करता रहा। देखो जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना अपना ही फ़ायदा है। और मैंने देखा नहीं भाई इस बार कौन आया था फर्स्ट। हाँ तो भाई अभी मैं बैक गया और देख के आया, तो भाई फर्स्ट अपन ही आए थे। तो हाँ मतलब इस फर्स्ट टाइम पे हम आए थे, वो थोड़ा लेट थे, हम सेकंड आए थे, फिर भी सेकंड आ गए थे हम। लेकिन अपनी हमने जो 2 एंड सर्वाइव किया, मतलब अपना दूसरा डे जो तो हमने सर्वाइव किया, उसमें हम फर्स्ट आ गए। और ये अपना 3rd डे और मे भी ये लास्ट डे होगा, क्योंकि भाई फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि भाई इसका एक डे जो है वो 5 मिनट के राउंड है। तो 5 मिनट के मतलब जितने ज़्यादा डे होंगे उतने ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। हमने 10 डे दिखा दी तो मतलब समझ रहे हो वीडियो लाखों में पहुँच जाएगी, मतलब मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं होना। तो मतलब ज़्यादा नहीं, 3 या 4 डे ही दिखाने वाला हूँ मैं, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं करेंगे, फिर पता चल रहा है भाई बंदे बोले भाई ये वो मतलब कुछ भी। हाँ तो सॉरी 1 सेकेंड वॉइस ओवर की, तो मैं यही बोल रहा था ज़्यादा नहीं दिखाएंगे हम, मे भी ये वाला लास्ट ही करेंगे। और भाई ये देख रहा हूँ भाई अलग अलग टाइप के ज़ॉम्बी, मोटे पतले लंगड़े लूले काड़े बेड़े, मतलब बस आए जा रहे थे। और ये देख रहे हो भाई, तो ये पता नहीं भाई कौन सी नस्ल का ज़ॉम्बी आया था, इसके पैर में क्या ही फंसा हुआ था। और ये थोड़ा हार्ड था लेकिन इसको पेल दिया था, और ये बॉस था मतलब मिनी बॉस ही था, जो भी था बस था ये। और SMG अच्छी चल रही थी अपनी, लग देख रहा आपका भाई फुली भाई उछल उछल के पेल रहा इनको। और अपनी हेल्थ कम हो रही थी तो यूं ही बढ़े भी जा रही थी। मैंने बताया ना इजी मोड है, तो इतना भी हार्ड नहीं है अभी, लेकिन हम फुली एक्सट्रीमली हार्ड वाला खेलेंगे। लेवल अप मैंने इसका ऑफलाइन कर लूँगा, तो फिर आप लोग मुझे बताना नेक्स्ट वाली वीडियो में फुली वाला हार्ड हम ट्राई करेंगे, कि हार्ड में अपना एक्सपीरियंस कैसा है, क्या सीन है, हम हार्ट में अपनी लाइफ कितनी बचा पाते हैं और कितना सर्वाइव कर पाते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। और भाई ये बकरी भी फिर से चिल्लाना शुरू, खैर कोई ना। तो हाँ वो बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे, अभी के नहीं है उसकी बात नहीं करते हम। तो यही सीन था अपना, बाकी अपनी ये वाले वेव भी एंड होने वाली है, ऑलमोस्ट 3 मिनट रहते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या सीन है, क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं। और वैसे मैं नेक्स्ट वाला खेलने भी नहीं वाला। और भाई देख रहे हो ज़ॉम्बी भाई क्या ही स्पीड में भाग रहे थे, मतलब इनकी स्पीड भी आई थिंक बढ़ते जा रही थी जितना ज़्यादा वो होता जा रहा था ना अपने डेज, और उस हिसाब से इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। और भाई नाइट हो गई थी, मे बी नाइट में ये और ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, कन्फर्म नहीं पता मुझे, लेकिन हो सकता कुछ भी, तो मुझे ऐसा लग रहा था। और भाई देख रहा हूँ नाइट हो तो भाई ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहे, पहले तो सेंटर से निकल लेते, लेकिन जैसी रात हुई देख रहा हूँ भाई ये यहाँ से भी निकल लें, मुझे नहीं पता भाई क्यों निकल रहे नुबड़ी के यहाँ से। मैंने सोचा यहाँ पे मैं अंदर जाऊँ, लेकिन भाई वहाँ पे अंदर जाने का कोई ऐसी जगह है ही नहीं, बस वो ज़ॉम्बीज के आने की जगह है, अपनी जाने की नहीं। और भाई ये देख रहा हूँ मोटी मोटी लड़कियाँ भाग रहे हो, भाई देखो ज़ॉम्बी में दिमाग तो होता नहीं है, नुबड़ी के वहाँ फंस गए भाई, इधर निकल के आ जा, ज़रूरी तो नहीं है ना वहीं पर अटके रहना है तुझे। लेकिन खैर अब भाई ज़ॉम्बी को अटकना है तो अटकना है भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, तो उसको अटके रहने दो वहीं पर। हाँ तो भाई अब ऑलमोस्ट 1 मिनट रह के, और भाई मैं इधर आया, भाई देख रहा हूँ चेन में भाग रहे, मतलब लाइन लगा के कि छोड़ेंगे नहीं इस बंदे को, पेल करेंगे। और भाई यहाँ पे घाउल करके बॉस अगेंस्ट स्पॉन हो गया था, और अभी नुकड़ी का दिखा नहीं मुझे कहाँ है भाई, आजा सामने, शायद ये उस वाली जगह पर स्पॉन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो अपने को नहीं दिख रहा वो, अगर यहाँ होता देख जाता। हाँ इधर नहीं हुआ वो स्पॉन, जो दूसरा एरिया है ना अपना राइट साइड वाला, शायद से वो वहाँ पर हुआ है। चलो कोई नहीं, अपनी जो दूसरे भाई लोग हैं वो उसको वहाँ पे पेल देंगे, हम ये वाले ज़ॉम्बियों को संभालते और देखते कितने के लिए इस बार हम कर पाते, और इस बार भी फर्स्ट हम आएंगे या नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम ट्राई करने वाले, अगर फर्स्ट आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो खैर होता रहता। बाकी देख रो भाई ये छलांगे भी मारते नूबड़ी के, ऐसी बात नहीं कि छलांग नहीं मारते भाई, दिमाग पूरा पूरा इनके अंदर। और भाई यहाँ पे एक बंदा ऐसी भाग रहा था बिना गन के, मुझे नहीं पता भाई वो ऐसी शौकियाँ क्यों मार रहा था। और 20 सेकेंड लेफ्ट हैं, तो देखते हैं भाई फर्स्ट आऊँगा मैं, सेकंड आऊँगा या थर्ड आऊँगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आने वाला हूँ मैं, अब मुझे नहीं पता भाई क्या आने वाला हूँ। वैसे अपने किल देखे तो हम 328 के अराउंड 29 हो गए, मतलब हम 335 के करीब किल कर लेंगे आई थिंक,
35 तो कर ही लेंगे या नहीं कर पाएंगे। चल भाई एक और किल करना था, चलो कोई नहीं। और अगर हम देखें तो इस बार भाई हमारे सेकंड, खैर कोई नहीं होता रहता है। तो हाँ चलो हम पहले में सेकंड आए, फिर फर्स्ट आए, फिर सेकंड आए, तो हाँ ओके ओके, इतना भी बुरा नहीं है। सो बस भाई लोग फिर आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और चैनल भी नहीं दो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई अब तो और भी ज़्यादा ओपी गेम प्ले आपको यहीं पर देखने को मिलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लाइव स्ट्रीम वगैरह सब होएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, बाकी सारी बातें हम कल करेंगे, अभी के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, लव यू ऑल, ऐसे सपोर्ट बनाए रखना भाई लोग।